नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दिनभर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इसी को लेकर के पूरे देश में भाजपा कार्यकर्ता इसे सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं और झारखंड के भाजपा कार्यालय में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन HEC के पूर्व CMD अभिजीत घोष ने रिम्स की ओर से किया। कार्यक्रम में रिम्स के डॉक्टरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर एवं सह प्रभारी नंद किशोर यादव ने रक्तदान किया और 5 लोगों को रिम्स की ओर से रक्तदान प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जन्मदिन के अवसर पर और सेवा सप्ताह हम लोग आज यहाँ पर रक्तदान शिविर कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत लोग यहाँ पर आए हैं और बहुत इच्छुक लोग हैं जो स्वेच्छा से अपने रक्त दे रहे हैं। और मैं ये जानता हूँ कि रक्त जो है हमारे शरीर में बहुत एक्स्ट्रा रहता है और उसको देना बहुत ज़रूरी है, जबकि 6 महीना में 3 महीना में भी हम लोग ब्लड दे सकते हैं और ब्लड क्यों ना दें। अगर हमारा ब्लड किसी का काम में अगर आए तो हमको देना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी लोग हैं वो आगे आगे खून दे, क्योंकि कभी नहीं मालूम है कब किसको रक्त की ज़रूरत होती है। और ये हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ रिम्स के लोग आए हुए हैं। मैं हमारे माथुर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर आए थे और हमारे यहाँ पे हम लोगों को एनकरेज करके गए हैं। और मैं रिम्स को भी बधाई देना चाहूँगा कि हम लोग पूरे स्टाफ के साथ में आज हमारे पास रिम्स पर आए और रक्तदान शिविर में योगदान दिया गया। भूख हड़ताल पर बैठी आंगनबाड़ी सेविकाओं से मिलने झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव, JMM नेता महुआ मांझी, TMC की प्रदेश प्रवक्ता कंचन कुमारी गई और आंगनबाड़ी सेविकाओं का हाल जाना। बता दें कि काफी लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविकाएं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही है, जिसकी वजह से उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आंदोलन स्थल पर कई महिलाओं को पानी चढ़ाया जा रहा है। वहीं अभी तक सरकार की ओर से अब तक आंगनबाड़ी सेविकाओं को किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। वहीं आंगनबाड़ी सेविकाएं लगातार सरकार से अपनी मांगों को लेकर अपनी हड़ताल पर अड़ी हुई हैं। सरकार का रवैया अभी तक ठीक नहीं है। आंगनबाड़ी सेविका लगातार भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं। कई लोगों का तबियत खराब हो चुका है और ये यहाँ से हॉस्पिटल जाना नहीं चाह रही हैं और सरकार यहाँ कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं करवा रही है। ना ही सरकार का किसी भी व्यक्ति अभी तक आया है। बहुत लोगों का तो स्थिति काफ़ी दयनीय है। शुगर लेवल बहुत कम गया है, ब्लड प्रेशर भी घट रहा है, तो बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गया है। तो सरकार से हमें मांग करते हैं कि जल्द से जल्द आंगनबाड़ी सेविका का जो समस्या है उसका समाधान करते हुए और ये भूख हड़ताल को समाप्त करवाया जाए, यही सरकार से फिलहाल मांग करते हैं। और अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जिस तरह से आंदोलन जारी है आगे भी जारी रहेगी। सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर, करुणामय हृदय रखना चाहिए। सरकार माई बाप होती है, उसके बच्चे कोई मांग रखते हैं, जायज मांग रखते हैं, तो उसको झुकने में कोई हर्जा नहीं। हम लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ये दिन रात काम करती हैं, 0 से लेकर 5 साल के बच्चों को, बच्चियों को देख रेख करती हैं, उन्हें पढ़ाती भी हैं, उन्हें खिलाती भी हैं, दूसरी माता हैं ये, गांव के बच्चों की दूसरी माता हैं और इनको जो एवज में मिलता है बहुत ही कम है। इनकी मांग जायज है। हमारी पार्टी महुआ जी यहाँ JMM से हैं, हम लोग जो सत्ता में आएंगे, पावर में आएंगे और निश्चित रूप से आएंगे, ये सरकार जाने वाली है, निश्चित रूप से आएंगे और हम इनके मांगों का जरूर पूरा करेंगे। हमारी बहनें हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब हो गई है, BP लो है, शुगर फॉल कर रहा है, इसके बावजूद सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। आप देखे होंगे कल हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी भी आए थे, आज हमारे आदरणीय रामेश्वर जी आए हैं और हम सभी लोग उनके साथ हैं। तो आप सोचिए, एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगता है और दूसरी तरफ महिलाओं का ये हश्र होता है, इतना कम मानदेय है, उसमें आज के समय में क्या हो सकता है। आज विश्वकर्मा पूजा है जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं रांची के मुख्यमंत्री आवास पर भी विश्वकर्मा पूजा काफी धूमधाम से मनाया गया। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी विश्वकर्मा भगवान की पूजा अर्चना की और भगवान से राज्यवासियों के लिए शुभकामनाएं मांगी।
वहीं पाकुड़ में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाया गया। जिले के सैकड़ों स्थानों पर प्रतिमा स्थापित कर लोगों ने पूजा अर्चना की। पत्थर खदानों, गैरेज, मोटर पार्ट्स की दुकानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों पर भक्तिपूर्ण माहौल देखा गया। लोगों ने चार पहिया, दो पहिया सहित भारी वाहन के मालिकों ने अपने वाहनों की पूजा कराई। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल को म्यूजियम बनाया जा रहा है, जिसको लेकर संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी जानकारी एसके मिश्रा, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ने दी और बताया कि म्यूजियम में लगे 3D ऑडियो विजुअल के माध्यम से क्रांतिकारियों के विषय में जानकारी दी जाएगी। रांची में ये बिरसा मुंडा जेल था, उसको कंजर्व करने का हमें जिम्मेदारी दी गई है, वो हम पूरा कर रहे हैं। एक साल में करना था, वो 2 महीने पहले ही हो जाएगा। वो जब तैयार हो जाएगा तो उसको ट्राइबल म्यूजियम, प्रधानमंत्री जी के ये विचार है, इसको ट्राइबल म्यूजियम में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ ये काम ख़त्म होगा, इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन होने के बाद फिर एक दूसरी संस्था है जो उसको काम देख, ट्राइबल म्यूजियम में काम करेगी। तो जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और समय के पहले उसको पूरा किया गया है। तो जितना खर्च करना था उससे कम ही खर्च हो गया, सराहनीय काम। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 17 सितंबर को 28वां स्थापना समारोह मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता कुलपति डॉ. रमेश सदन ने किया। मौके पर सेवानिवृत्त शिक्षकों, विभागाध्यक्षों, शिक्षकेतर कर्मियों और विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।